स्टूडेंट मैसेल मिस प्रिया जेनिफर को एंड आई एम हियर विद माय क्लास 10th वीडियो. द सब्जेक्ट इज हिस्ट्री एंड द टॉपिक इज नेशनलिज्म इन इंडिया. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाट टाइप ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट मूवमेंट एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. मीन्स कौन कौन से ऐसी बिलोंगिंग थी इंडिया की जो कहीं ना कहीं हमें यूनाइट करने में, हमें फ्रीडम दिलाने में काफ़ी सफल रही. सो लेट्स गेट स्टार्टिंग. Nationalism is spread when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. Nationalism की जो feeling है ना, वो तब चारों तरफ फैलने लगी जब लोगों में ये विश्वास आ गया, लोग ये believe करने लगे कि वो हर एक व्यक्ति, whether they are Hindu, Muslim, Christian, whatever they are belong from the same nation. उनका देश एक है, भले वो किसी भी धर्म या जाति के हों. When they discover some unity that binds them together, जब उन्होंने एक तरह की एकता को देखा अपने अंदर, एक तरह की यूनिटी को देखा, उन्हें कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि ये एक एकता ही है, एक साथ है जो हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के एक संग जोड़ता है. But how did the nation become a reality in the minds of people? पर कैसे जो समाज था वो लोगों के दिमाग में एक रियलिटी की तरह उभर कर आया. How did people belong to different communities, regions or language groups डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. कैसे जो एक डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग थे, विभिन्न तरह की जाति धर्म के जो लोग थे, उनके मन में ये बात कैसे आई और उनके अंदर ये क्या फीलिंग आई कि उन्होंने अपने आप को एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की तरह, एक समूह की तरह अपने आप को पेश किया अपने देश के लिए. दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स. ये कैसे आया, तो जो स्ट्रगल्स लोगों ने एक संग मिलकर किया था, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, आपका सत्याग्रह हो, या सत्याग्रह की हम बात करें, रोलर टेंट जलने वाला बाग के टाइम में, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती गई एक के बाद एक, जो कहीं ना कहीं लोग के स्ट्रगल में एक दूसरे को एक संग खड़ा रखा बहुत मजबूती के साथ. बट देयर वर ऑल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशंस. पर कहीं ना कहीं इसका योगदान लोगों की कल्चरल प्रोसेस की, जो सभ्यता का जो एक प्रोसेस जो उनके मन में जो चला आ रहा था, जो उनके बीच में जो चला आ रहा था, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की जो मेन अटेंशन थी उसको कैप्चर करने में, पकड़ने में वो काफ़ी खासा सफल रही. और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक इमेजिनेशन आने लगा उस कल्चरल प्रोसेस के थ्रू कि हम और कैसे अपने देश को अच्छा कर सकते हैं, या आज़ादी की तरफ और अच्छा एक नया तरीका पेश कर सकते हैं जिससे लोग और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें उस आज़ादी के कार्य में. हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. ये हर तरह के, चाहे वो एक कठपुतली का क्या कहते हैं, कठपुतली का नाटक हो आपका, या फिर कोई फिक्शन हो, या फिर वो पेपर से रिलेटेड हो, प्रिंटिंग से रिलेटेड हो, सिंबल से रिलेटेड हो, गाने हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ से कहीं ना कहीं एक देशभक्ति झलकती थी और कहीं ना कहीं यही सब एक चीज़ें थी जो लोगों को एक संग जोड़े रखी. द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन अ फिगर और इमेज. हमने ऑलरेडी चैप्टर वन में जैसा कि जाना है कि जो एक आइडेंटिटी होती है, एक देश की जो पहचान होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत सिंबल से रिलेटेड होती है. अगर हम बात करते हैं देश की पहचान की, तो ज़्यादातर लोग अगर हमारा फेस देख के नहीं बता सकते, तो हमारे देश का अगर झंडा होता है उसे देख के ज़रूर बता देते हैं, रेड दैट वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम इंडिया. ओके, तो हमारे देश का झंडा हो गया. और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है जो कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता को दर्शाती हैं. दिस हैज क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन. और कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक अच्छा मददगार साबित होते हैं, काफ़ी एक सहायता देते हैं एक देश की पहचान की, एक जनता की पहचान की. इट वॉज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता. और कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि जब हम अपने 20वीं शताब्दी में चल रहे थे, तो देशभक्ति की जो ग्रोथ हो रही थी, उसकी पहचान कौन बना, जिसको लोगों ने विजुअली एसोसिएट किया, कहीं ना कहीं एक तो एक तार को दूसरे तार से जो जोड़ा, वो क्या थी, वो इमेज किसकी थी, भारत माता की थी. द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसे मार्क कर लीजिए, ये वन वर्ड में मार्क द फॉलोइंग एज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स भी ये क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि जो भारत माता की इमेज थी वो फर्स्ट टाइम किसके द्वारा क्रिएट की गई थी. तो उसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम.
तो वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। कब लिखा था? 1870 में। एज अ हाइम टू द मदर लैंड लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद मठ। तो ये क्वेश्चन जो बताया जा रहा है कि आनंद मठ किसकी नॉवल थी, तो आपने इनका आंसर दे दिया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की थी। वंदे मातरम इंक्लूड कहा गया, किस नॉवल में किया गया था, तो वो थी आपकी आनंद मठ में किया गया था। वंदे मातरम लिखा कब गया था, तो वो 1870 में लिखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है आपका, भारत माता क्रिएटेड किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा क्रिएट की गई थी इनकी इमेज, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। वंदे मातरम उन्होंने लिखा था और आनंद मठ की नॉवल में वंदे मातरम का व्याख्या की गई है। ओके, एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और जब बंगाल में हमारा स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, बहुत जोर शोर से इस गीत को गा के लोगों ने अपने अंदर जो भावना थी नेशनलिज्म की उसको और उत्तेजित किया। मूव बाय स्वदेशी मूवमेंट अभिनेन्द्र नाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। तो हियर कम्स टू क्वेश्चंस, क्रिएट किसके द्वारा किया गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और उस पेंटिंग को पेंट किसके द्वारा किया गया था, तो कहा जाएगा अभिनेन्द्र नाथ टैगोर। ठीक है ना, तो इस तो जैसा आपको पता है कि क्रिएट किसके द्वारा किया गया और उनकी पेंटिंग को पेंट किसके द्वारा किया गया, तो वो आपका नाम यहाँ पे लिख दिया गया। जो इससे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं अपने, अगर आपने सैम्पल पेपर को या फिर अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखा है, तो तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पे फिगरेटिव होते हैं, मतलब फिगर से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक इमेज पेंट की गई थी और यहाँ पे बताया जा रहा है इन दिस पेंटिंग डैट फिगर नंबर 12 भारत माता अभिनेन्द्र नाथ टैगोर के बारे में बताया जा रहा है, जो 1905 में क्रिएट की गई, पेंट की गई। तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी जैसे लिखा गया है, नोटिस दैट द मदर फिगर ही हैज शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लॉथिंग द माला इन वन हैंड एम्फसाइज हर एस्थेटिक क्वालिटी। अभिनेन्द्र टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राई टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडियन। तो इनसे पहले तकरीबन रवि वर्मा ने भी ट्राई किया था एक ऐसी इमेज डेवलप करने की जो हमारा कहीं ना कहीं एक भारतीयता को, जो सभ्यता को जो दर्शा सके। तो इस पेंटिंग को ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं ये इनकी एक एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती वो पूछी जाती हैं कि इनके लेफ्ट हैंड में क्या है या राइट हैंड में क्या है, या जो ये जो इमेज है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं वो किसका फिगर है। तो आपने आंसर लिख दिया भारत माता की है। किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एंड किसने इस पेंटिंग को पेंट किया, तो अभिनेन्द्र नाथ टैगोर ने। ठीक है ना, तो ये सके कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो फिगरेटिव बेस्ड होते हैं, तो इनको आपको लिखना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर शीज काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। जो उनकी जो क्वालिटी बताई जा रही है पेंटिंग के द्वारा वो ये है कि वो काम है, कंपोज है, डिवाइन है एंड स्पिरिचुअल है। इन सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। और आने वाले ऐसे लगभग बहुत से ऐसे साल रहे जहाँ पे हमने भारत माता की कई तरह की इमेजेस को देखा और हमें देखने को मिला एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वॉज पेंटेड बाई डिफरेंट आर्टिस्ट। क्योंकि क्या हुआ कि जब एक चीज़ दूसरी जगह से बढ़ती जाती है आगे, तो उसमें थोड़े से इनोवेशंस होते जाते हैं। इन इनोवेशंस के द्वारा आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट भारत माता हमें देखने को मिलती हैं। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म। तो आपके फिगरेटिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो फिगर शो हो रहा है वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है। एट दैट टाइम यू गाइस हैव टू राइट दैट इट इज सीन एज एन एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। ये भारतीय में एकता को दिखा रहा है कि एक व्यक्ति के अंदर नेशनलिज्म की किस तरह की फीलिंग्स होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक सबूत है नेशनलिज्म की देशभक्ति के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये फिगरेटिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। So the ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. In late 19th century, Indian nationalists began recording folk tales sung by birds and toured villagers to gather folk songs and legends. These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. तो क्या हुआ, जैसे जैसे nationalism के ideas बढ़ते गए, लोगों ने कई तरह के सोर्सेस को इस्तेमाल किया अपने देशभक्ति को दर्शाने के लिए। इसमें से ये था, लोग कहानी गा गा के सुनाते थे या कितना जा जा के गलियों में ढिंडोरा पीट के कहानियों को सुनाना, गाने के रूप में, कविताओं में सुनाना, अपने बातों को कहना, देशभक्ति को दर्शाना। तो ऐसा कि बहुत सी सभ्यता वाली चीज़ें थी जो जगह जगह पर जा जा के प्लेस टू प्लेस विजिट करके अपने फॉक फ्लोर्स को शो करते थे। कहीं ना कहीं क्यों, क्योंकि जो आउटसाइड फोर्सेस थे, जो हमारे दूसरे देश के जो लोग हमारे देश में आ गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था।
It was essential to preserve these folk traditions in order to discover one national identity and restore a sense of pride in one's past. क्यों ज़रूरी थे? ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ थी जो हमारे पास्ट को प्रिजर्व करके रखना की बात आती कि हम अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को ना भूल, अपने भविष्य में जब हम एंट्री करते हैं तो अपने वर्तमान के साथ साथ हम अपने क्या कहते हैं कि पास्ट को भी संभाल के रखें। और कहीं ना कहीं ये देश की सभ्यता की एक आइडेंटिटी प्रूव हुई। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगिन कलेक्टिंग बैलेट्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ एंड लेट द मोमेंट फॉर फोक। और कहीं ना कहीं अगर हम जब बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में भी क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कई तरह की कलेक्शन स्टार्ट किए, कई तरह के उन्होंने बैलेट्स लिखे। बैलेट इज अ शॉर्ट टाइप ऑफ अ पोएम विच इज संग बाय द टू और थ्री पीपल्स, जो लोग होते हैं ना, बैलेट्स जो होती है जो लोगों के द्वारा कही जाती कविता है, जो कहीं ना कहीं एक दास्ता दर्शाती है, एक कहानी के द्वारा जो लोगों के द्वारा जो गाने के रूप में गाई जाती हैं। कई तरह के राइम्स और उन्होंने करना स्टार्ट किए जो कहीं ना कहीं देशभक्ति को दर्शा रहा था। एक क्वेश्चन ये भी है, जवाहरलाल नेहरू अ पॉपुलर प्रिंट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनके हाथ में भारत माता से रिलेटेड पिक्चर हम देख रहे हैं, एक बुक है और नेहरू जी खड़े हुए हैं। नेहरू इज हियर शोन होल्डिंग अ इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट। तो उन्होंने, हम देख रहे इस इमेज में कि उनके पास जो है एक मैप है इंडिया का, प्लस उसमें एक भारत माता बनी हुई है जो उनके दिल के बहुत करीब हैं। इन अ लॉट ऑफ पॉपुलर प्रिंट्स नेशनलिस्ट लीडर्स आर शोन ऑफरिंग देयर हेड्स टू भारत माता। तो उस टाइम में से बहुत से प्रिंट्स बनाए गए, बहुत सी ऐसी कलाकारी की गई जहाँ पे वो जो लीडर्स थे, जो देशभक्त के लिए, जो देश के लिए जो फाइट कर रहे थे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनके से बहुत सी इमेज बनाए गए जो भारत माता को सामने अपने सर को नमन करते हुए दिखाई दिए या अपने दिल के करीब रखते हुए दिखाई दिए। द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द मदर वॉज पावरफुल विद इन पॉपुलर इमेजिनेशन। और कहीं ना कहीं जो प्रिंट का जो मेन मकसद था वो ये था, जो एक आइडिया था एक माँ की सेक्रीफाइस का, वो दर्शाने का था। इन मद्रास नतेशा शास्त्री पब्लिश अ मैसिव फोर वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। और कहीं ना कहीं ये मद्रास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप प्लीज इसे मार्क करते रहिएगा कि फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया किसके द्वारा, फोक टेल जो है वो किसकी कलेक्शन है, तो आप लिख देंगे नतेशा शास्त्री की। ही बिलीव डैट फोकलोर वॉज नेशनलिस्ट लिटरेचर, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम बात करते हैं फोकलोर की तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के एक लिटरेचर के बारे में बताता है। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था जब हम नेशनल लिटरेचर की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मैनिफेस्टेशन है लोगों की एक रियल सोच का, और एक जो रियल, जो एक एक व्यक्ति के व्यक्तिगत कैरेक्टर को, व्यक्तिगत इमेजिनेशन को, इसकी सोच को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, फोकलोर के द्वारा हम अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को, जो हम सोचते हैं या समझते हैं दूसरों के लिए, खुद के लिए, उनको बयां करते हैं। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनल लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ता गया, नेशनल लीडर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होने लगे और लोगों के बारे में और सिंबल्स के बारे में लोगों को बताने लगे कि एक देशभक्ति की फीलिंग उसे देखे और ज़्यादा कैसे उत्तेजित होती है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइंड। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में जो कलर था ट्राई कलर फ्लैग का, जो कलर था वो क्या था, तो हो जाएगा रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइन। इट हैड एट लोटसेस रिप्रेजेंटिंग एट प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। तो अगर हम बात करते हैं उसके फीचर्स की, तो पहली चीज़ बताई गई कि उसमें तीन कलर थे, वो कलर क्या थे, रेड ग्रीन एंड येलो। क्या कलर थे वो, रेड ग्रीन एंड येलो, ठीक है ना। तो पहला फीचर ये हो गया कि रेड ग्रीन एंड येलो था, और उसमें आठ कमल के फूल थे जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया के आठ प्रोविंसेस को दर्शाता था, आठ राज्य को दर्शाता था जो ब्रिटिश के अंडर में थे। एंड अ क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून आपको पता ही होगा, क्रिसेंट मून था और क्या क्या था, जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम्स को, किनको रिप्रेजेंट करता था, हिंदू और मुस्लिम्स को, ठीक है ना। तो जो चीज़ें सामने आई वो ये थी कि तीन कलर रेड ग्रीन एंड येलो, आठ लोटस प्लस जो आठ प्रोविंसेस को शो करता था, प्लस क्रिसेंट मून जो हिंदू और मुस्लिम को शो करता था। गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, और 1921 में आता था गांधी जी ने स्वराज के झंडे को बनाया, डिजाइन किया। इट वॉज एन अगेन अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड वाइट। तो जब यहाँ पे गांधी जी के फ्लैग के बारे में पूछा जाएगा, स्वराज फ्लैग डिजाइन बाय गांधी जी 1921,
तो आप उसमें कलर क्या लिखेंगे, रेड ग्रीन एंड वाइट। मे बी ये बोर्ड एग्जाम में एज अ मैच अ कॉलम पूछ सकता है कि बंगाल का जो ट्राई कलर फ्लैग था उसका कलर क्या था, रेड ग्रीन एंड येलो। जो हमें एक मेजर डिफरेंस दिख रहा है बस वो वाइट और येलो का है, ठीक है ना। तो ट्राई कलर फ्लैग बंगाल का जो था वो येलो था, और जो गांधी जी ने डिज़ाइन किया था स्वराज फ्लैग उसमें जो चेंज थे वो था वाइट एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। क्या कह रहा है कि और उसके मध्य में जो तिरंगा था उसके मध्य में क्या था, व्हील था, क्योंकि वो चरखा चलाते थे तो स्पिनिंग व्हील था जो धागे को काटने में काम आता था। रिप्रेजेंटिंग द गांधियन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो क्या दर्शाता था कि हमें खुद की सेल्फ हेल्प के बारे में दर्शाता था। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलॉट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। और कहीं ना कहीं क्या था, उस झंडे को जब हम स्वराज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जब हम उस झंडे को स्वराज फ्लैग को लेकर निकलते थे तो कहीं ना कहीं एक सिंबल बन गया डिफेंस का, ठीक है ना। तो पहली चीज़ हमने ट्राई कलर बंगाल का डिस्कस कर लिया झंडे के बारे में। उसके बाद जब गांधी जी का है तो ये हुआ कि वो ट्राई कलर में था, बस उसमें वाइट कलर चेंज था, स्पिनिंग व्हील था जो कहीं ना कहीं क्या थी, सेल्फ हेल्प के आइडिया को रिप्रेजेंट करती थी। और लास्ट में क्या था कि वो सिंबल जो था पूरा फ्लैग का वो क्या दिखाता था, डिफेंस को करता था, ठीक है ना। After that, another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. और क्या आता है, reinterpretate करना history को, एक बार इतिहास को दोबारा reinterpretate करना, ये भी कहना कि एक feeling nationalism की जगाता था। By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history has to be thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievements. तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो इंडियंस वो समझ गए थे, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को क्या समझते थे, बैकवर्ड प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। क्या थी इनकी सोच कि जो भारतीय लोग हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं, काफ़ी प्रिमिटिव है, मतलब प्रीमेच्योर है, उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं, उनकी सोच जो है वो बहुत पिछड़ी हुई है। एंड दे आर इनकेपेबल गवर्निंग देमसेल्व्स, मतलब उनके अंदर इतनी भी केपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद को गवर्न कर सके, खुद को संभाल सके। तो उनके मन में ये था कि वो एक देश को क्या संभालेंगे। इन रिस्पॉन्स इंडिया बिगन्स लुकिंग टू द पास्ट टू डिस्कवर इंडिया ग्रेट अचीवमेंट्स। और इसके बदले में इंडियन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, भारतीय लोगों ने अपने पास्ट को देखना स्टार्ट किया, अपने भूतकाल में गए और वहाँ के जो इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट्स हैं उन पर थोड़ा सा नोटिफाई करने लगे वो। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स एंड वेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। और उन्होंने उन ग्लोरियस चीज़ों के बारे में लिखा, बताया, जो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में काफ़ी फ्लरिश चीज़ें थी, चाहे वो हमारी सभ्यता से हो, चाहे वो हमारे धर्म से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो गणित से रिलेटेड हो, नियम कानून, क्राफ्टिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने व्याख्या की। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाई हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज। और कहीं ना कहीं इसके संग क्या लिखा उन्होंने, जब उन्होंने इंडिया के सारे पास्ट के अचीवमेंट्स के बारे में बताया तो उन्होंने उस सभ्यता का जो डिक्लिनिटी हुई उसके बारे में भी दर्शाया। कब हुई डिक्लिनिटी, जब इंडिया कॉलोनाइज हो गया था, कॉलोनाइज मतलब जब वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया था। तो उन्होंने बताने की ये भी बात बताई कि कैसे हमारा देश अपनी सभ्यता में डिग्निटी फेस करने लगा। दिस नेशनल हिस्टोरीज अर्ज द लीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें लिखी गई हैं वो भारतीय नेशनलिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके स्ट्रगल्स में और चेंजेस लाने लगे, क्योंकि जब वो अपने पास्ट के अचीवमेंट्स को पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं वो उन्हें समझ में आता कि ब्रिटिशर्स ने उनकी लाइफ, उनकी कंडीशन को कितना वर्स्ट कर दिया है, और उन्हें अपने स्ट्रगल को, अपने फाइट को और भी तेज़ी से करने लगे। दिस एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरिफाइड वॉज हिंदू व्हेन द इमेजेस वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी दैट पीपल ऑफ देयर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट। तो क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो एफर्ट्स है लोगों को एक करने के लिए, उस एफर्ट्स के बीच में बहुत सी दिक्कतों का, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्यों, क्योंकि जब हम पास्ट की ग्लोरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हिंदू का जिक्र ज़्यादा हुआ, जो इमेज हम सेलिब्रेट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंदू की आइकोनोग्राफी से ली गई थी, और जिसकी वजह से जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग थे उनको ऐसा फील हुआ कि हम लेफ्ट आउट, एज अ लेफ्ट आउट ट्रीट करे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस बातों से काफ़ी
खासा नाराज भी थे। ओके, इस संग ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू गाइस आर हैविंग एनी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बातें बता सकती हूँ पर मेरी बातों को औरों तक पहुँचाना ये सिर्फ आपका काम है। एंड आई होप आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।